तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम 100 मीटर के लिए जब आपका कंपटीशन होता है, कंपटीशन से पहले आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, आपका आज कंपटीशन है, कंपटीशन से पहले आपको क्या करना है, किस तरह से वार्म करना है, किस तरह से एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से चल सके। कहाँ भी आपका कॉम्पिटिशन हो या आपकी भर्ती की तैयारी करते हो, वहाँ पर आपका 100 मीटर होगा, तो उससे पहले आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपको पहले कॉम्पिटिशन से पहले आप किस तरह से प्रिपेयर रहना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप कंपटीशन के लिए जाते हो, कहाँ भी आपका कंपटीशन होगा, उससे पहले जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो, तब दोस्तों आपको स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो दोस्तों आपको कंपटीशन पहले एक घंटा, जब आपको कहीं पर बुलाते हैं या तो आपको पहले एक आधा घंटा पहला आपको अच्छे से लाइटली स्ट्रेचिंग करना है। दोस्तों, जहाँ भी आपका कंपटीशन होता है या तो आपका फिजिकल होता है, जहाँ भी आप भर्ती की तैयारी करते हैं वहाँ पर आपका 100 मीटर होता है, तो उससे पहले आपको आधा घंटे पहले आपको इस तरह से लाइटली स्ट्रेचिंग करना है सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी अगर खिंची हुई होती है या तो टाइट होती है वो दूर हो जाती है, इसलिए सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। फिर उसके बाद देखो, 4 से लेकर 5 मिनट तक आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे जॉगिंग करना है। फिर उसके बाद दोस्तों, स्ट्रेचिंग होने के बाद आप 10 मिनट जॉगिंग करो, आपको स्लो जॉगिंग करना है 10 मिनट। और फिर उसके बाद क्या करना है, देखो 10 मिनट जॉगिंग होने के बाद आपको स्टैंडिंग वार्म अप करना है। आपको दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज अच्छे से करना है, क्योंकि वार्म एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी अच्छे से खुलती है और आपका कंपटीशन की आपकी तैयारी अच्छी होती है और आपका 100 मिनट का टाइम अच्छा आता है। इस तरह से आपको लेग को अप करना है, साइड को करना है, उसके बाद गर्दन को आपको अच्छे से आपको बॉडी वार्म करनी है, ये सभी एक्सरसाइज करना है जिसके वजह से आपकी बॉडी अच्छे से खुलती है और आप कंपटीशन के लिए तैयार रहते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखो वार्म अप होने के बाद आपको ABC एक्सरसाइज करना है। और कैसे करना है देखो, आपको सिर्फ 10 मीटर में दोस्तों करना है, ज़्यादा आपको डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 मीटर में आपको इस तरह से ए स्किप करना है पहले और ए एक्सरसाइज ज़रूर करना। ए स्किप होने के बाद आपको बी स्किप करना है, आपको क्या करना है 10 मीटर एक्सरसाइज करना है और फिर उसके बाद आपको 15 मीटर स्ट्राइड लगानी है, इस तरह से एक्सरसाइज करना। फिर नेक्स्ट आपको हाई नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको 4 एक्सरसाइज करना है, फिर आपको इस तरह से हाई नहीं करना है। हाई नहीं होने के बाद इस तरह से आपको बैक नहीं करना है और आप स्पीड से एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो। फिर उसके बाद आप 80 मीटर में 2 स्ट्राइड ज़रूर लगाएं, आपको 80% रिपोर्ट से 80 मीटर में आपको 2 स्ट्राइड लगाना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छे से खुलती है। इसलिए आपको दोस्तों आधा घंटे पहले ही आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग, वार्म एक्सरसाइज, हाई नहीं, इस तरह से आपको बैक नहीं करना है, इस तरह से एक्सरसाइज करना। इसे भी एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से करते हो तो आप कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार रहते हो। इस तरह से सभी एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी अच्छे से चलेगी और आपका 100 मीटर का टाइम भी अच्छा आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप वीडियो से भी देखते रहना, मैं इस तरह से सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।